अच्छा, हमारे पास आज जो गाड़ी मौजूद है ये है Daihatsu Mira और 14 का मॉडल है, 17 की रजिस्टर्ड है और 660 सीसी इंजन है, नॉन टर्बो इंजन है। और अगर इस गाड़ी की बात करते चलें तो ये गाड़ी 1,14,000 ड्रिवन है। और अगर इस गाड़ी की मेन सेलिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो वो इसका एक तो साइज़ है, क्योंकि एक बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ है, और दूसरी चीज़ इसके साथ साथ ये है कि ये विद इन सिटी के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है। और अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो वो इसकी फ्यूल एवरेज विद इन सिटी 18 to 20, और लॉन्ग पे इट वेरीज ऑन योर ड्राइविंग हैबिट्स। अगर हम इसी की लॉन्ग के ऊपर बात की जाए तो 18 to 22 ईजीली दे देती है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग हैबिट्स पे कि आप इसको कितना थ्रोटल दे रहे हैं और इसका आरपीएम क्या मेंटेन रख रहे हैं। अगर इस गाड़ी की लॉन्ग रूट पे अगर ड्राइव की बात की जाए तो यस, छोटी गाड़ी है और इसका बॉडी रोल इसके अंदर मौजूद है, लेकिन दिस कार इज़ बेसिकली डिज़ाइंड फॉर सिटीज़, तो लेकिन आप इसको लॉन्ग पे भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसके फीचर्स की बात करते चलें तो ये एक मिड स्पेक वेरिएंट है, जिसके अंदर हमारे पास जो इसके साइड मिरर्स हैं ये ना तो रिट्रैक्टेबल है और ना ही एडजस्टेबल है। जो इसके अंदर वाले मिरर्स हैं इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते, अंदर से मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर इसके फीचर्स की बात करते चले तो इसके अंदर हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल, इको आइडल और हेडलाइट एडजस्टर है और रडार भी है। इसके जो विंडोज़ हैं ये पावर ऑपरेटेड है, और जो इसका ड्राइवर साइड वाला है ये वन टच ऑफ अ बटन के साथ इसको ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। क्योंकि जापान के अंदर ये एज अ की कार कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, तो जो अगर इसके हम स्पेस की बात करते चलें तो इसके अंदर जो लेग रूम है और जो हेड रूम है ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसके साथ साथ अगर पीछे सीट्स की कैपेसिटी की बात की जाए उधर भी लेग रूम और एंट्री एग्जिट आपका बहुत इजी है। बूट स्पेस की अगर बात करते चले तो काफ़ी कम है, और इसके अंदर आप इजीली अपने कोई लगेज, दो छोटे लगेज बैग कैरी कर सकते हैं। और इस गाड़ी के अंदर आपके पास स्पेयर व्हील की ऑप्शन नहीं आती। अगर इस गाड़ी के बारे में बात करते चले तो ये क्योंकि एक जापानीज़ वेरिएंट है तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो हमारे पास सुजुकी ऑल्टो आती है। इसके साथ साथ अगर हम इसके सेंट्रल कंसोल वाले एरिया की बात करते चले तो CD चेंजर है, अवेलेबल है, और AM और FM की ऑप्शन अवेलेबल है जो कि अब आउटडेटेड है। उसके साथ अगर नीचे बात करते चलें तो मैन्युअली AC कंट्रोल्स के स्विचेस मौजूद हैं हमारे पास। और अगर इसकी AC की बात करते चलें तो जो इसकी कूलिंग है वो मेरा ख्याल काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी के साइज़ के लिहाज से। इसके साथ साथ अगर बात करते चलें तो हमारे पास एक ग्लव बॉक्स भी है जिसकी जो साइज़ है वो काफ़ी डिसेंट साइज़ है। और इसके साथ साथ अगर इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर दो एयरबैग्स हैं, एक जो है वो स्टेयरिंग व्हील के अंदर है और दूसरा डैशबोर्ड के अंदर है। अगर इस गाड़ी की पार्ट्स की प्राइस की बात की जाए तो क्योंकि रिसेंटली जो पार्ट्स की प्राइसेस है उसमें काफ़ी इन्फ्लेशन आई है, रिगार्डलेस के वो गाड़ी CKD है, ये CBU यूनिट है तो इसकी प्राइसेस भी काफ़ी महंगी हैं, लेकिन इसके हर पार्ट जो हैं वो रेडीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। लेट्स सपोज अगर इसके हम अगर फ्रंट बम्पर की बात करते चलें तो वो आपको कॉस्ट करता है कहीं 15,000 से 20,000, तो ये काफ़ी एक हायर साइड पे है। सच आपके पास दरवाज़ों के अंदर, डोर्स के अंदर, इसके अंदर कोई कप होल्डर्स नहीं है, फाइल ट्रेज मौजूद हैं जिसके अंदर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। और अगर इस गाड़ी की सस्पेंशन की बात की जाए तो जो इसकी सस्पेंशन है, क्योंकि इसके अंदर 14 इंचेस के रिम्स आते हैं जो कि व्हील कैप्स के साथ हैं, और ओवरऑल जो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और जो सस्पेंशन की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, क्योंकि जापानीज स्टैंडर्ड्स के लिहाज से गाड़ी बनी हुई है तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो थोड़ी कम है। अगर हम इस गाड़ी के वैसे वेरिएंट्स की बात करते चलें तो उसके अंदर हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। इसका जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर हमारे पास मैनुअल गाड़ी भी ही आती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसकी रेशियो बहुत कम है,
क्योंकि अब अगर ट्रैफिक के लिहाज से देखी जाए तो जो ऑटोमेटिक गाड़ी है वो काफ़ी सूटेबल है। इसके टॉप वेरिएंट की बात करते चलें तो उसके अंदर हमारे पास ऑटो रिट्रैक्टेबल इसके साइड मिरर्स आते हैं, उसके साथ साथ आप उसको कैबिन से कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसके बटन्स मौजूद होते हैं और उसके अंदर साथ साथ पुश स्टार्ट बटन भी होता है जिसकी आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास स्पेस भी मौजूद है। क्योंकि ये एक मिड स्पेक वेरिएंट है तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्टिमल फीचर्स मौजूद हैं आजकल की रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से। लेकिन जो चीज़ इसमें मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ एज इन ड्राइविंग तो वो है इसका सेंट्रल कंसोल के अंदर आर्म रेस्ट कोई नहीं है जिसपे आप अपना आर्म रख सकते हैं वाइल ड्राइविंग। अच्छा, तो एक जो और चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास हाइट एडजस्टमेंट की सीट्स अवेलेबल नहीं है फॉर ड्राइवर। क्योंकि ये एक मिड स्पेक वेरिएंट है तो इसके अंदर हमारे पास फ्रंट डोर्स के अंदर दो स्पीकर्स हैं जिनकी जो साउंड क्वालिटी है वो नॉट अप टू द मार्क, बेहतर होने चाहिए थे। हम इस गाड़ी की कैबिन की मटेरियल्स की बात करते चलें तो इसके अंदर थ्रू आउट पूरी गाड़ी के अंदर हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है जिसकी जो फिनिश और क्वालिटी है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों से काफ़ी बेहतर है, इस सेगमेंट की गाड़ी के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। और दरवाज़ों के ऊपर और स्टेयरिंग जो है वो एक ज़रा सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं स्टेयरिंग के ऊपर, डैशबोर्ड इसका और दरवाजे पैनल्स हर जगह पे सेम मटेरियल यूज़ है। इससे बेहतर हो सकता था मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल, लेकिन आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। और अभी हम इस गाड़ी का 0 to 100 भी आपको करके दिखाते हैं कि 660 cc के लिहाज से इसका 0 to 100 कैसा है। अब हम इसका 0 to 100 चेक करेंगे तो इसके लिए हम ज़रा इसका AC ऑफ़ कर देते हैं और साथ में इसका ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ़ कर देते हैं ताकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाए, और इसको साथ साथ एस स्पोर्ट्स मोड में भी डाल देते हैं। 1 2 3 एंड गो। अगर हम इसका 660 कैटेगरी के अंदर कंपेयर करें तो इसकी फ्यूल एवरेज बहुत बेहतर है स्पेसिफिक इस गाड़ी की, क्योंकि इस गाड़ी का जो ओवरऑल कैबिन स्पेस है और जो ओवरऑल इसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक तो छोटा है और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से बॉडी रोल एज़ कम्पेयर टू अगर इसकी इसी सेगमेंट की गाड़ियों की बात की जाए जैसे एन वैगन है और मूव है उससे काफ़ी बेहतर है, और इसकी जो पिकअप है इनिशियल पिकअप उन गाड़ियों से काफ़ी बेहतर है।